दशहरे के मौके पर पंजाब में श्री रामलीला दरेसी मैदान में 30 फुट के रावण का दहन किया गया। आपको बता दें कि हर बार की तरह इस बार दशहरे की रौनक फीकी रही, लेकिन पंजाब के लुधियाना में इस 30 फुट के रावण का दहन हुआ। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मौसा नवीन नगर निवासी राजेंद्र सिंह बिष्ट का निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार थे। भारत के पहले विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी दो दिन पहले एंजियोप्लास्टी हुई थी। 61 वर्षीय कपिल देव को सीने में दर्द की शिकायत के बाद फोर्टिस के स्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट के आपातकालीन विभाग में भर्ती कराया गया। अब वो स्वस्थ हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमित 62,077 मरीज ठीक हुए हैं। इसके बाद देश में मरीजों के ठीक होने की दर 90% पहुंच गई है। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दी। फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके परिजनों की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से स्टे मिला है। हाईकोर्ट की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। मुंबई के सिटी सेंटर मॉल में लगी आग को करीब 56 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने बुझा दिया। अधिकारियों ने बताया कि यह हाल के समय में शायद शहर का सबसे बड़ा दमकल अभियान है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रविवार को जारी किए गए पोस्टर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा गायब है। एनडीए को जिताने की अपील के साथ ही जारी इस पोस्टर में केवल प्रधानमंत्री मोदी का ही चेहरा शामिल किया गया है। भारत में भले ही कोरोना वायरस मामलों की गति धीमी हुई हो, लेकिन अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन में इस महामारी का कहर थम नहीं रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तमाम दावों के बाद भी वहां कोरोना वायरस एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए लॉकडाउन लगा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य उत्सव कुल्लू दशहरा भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ रविवार को शुरू हो गया। रथ यात्रा के साथ 7 दिवसीय दशहरा का विधिवत शुभारंभ हो गया। 20 मिनट के बजाय रथ यात्रा 10 मिनट में ही पूरी हो गई। सैकड़ों लोगों ने भगवान रघुनाथ का रथ खींचकर पुण्य कमाया। पाकिस्तानी प्रांत बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में हजरतगंज स्थित पुलिस स्टेशन के पास से एक बम विस्फोट हुआ। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट से इसकी जानकारी मिली। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।